सर फर्स्ट वाले को 5 4 3 2, यस सर। सर दूसरे वाले का 3 5 4, ठीक है। अभी आंसर डिस्कस करते हैं। नंबर क्या था हमारे पास, ए बी सी। हमने क्या क्या, पहले सबसे देखो बेस कौन सी है, फिर ये सोचो कि बेस में सबसे मैक्सिमम एग्जिस्टिंग सिंबल क्या हो सकता है। तो भाई हेक्साडेसिमल का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, एफ, यानी 15। हर इंडिविजुअल डिजिट को एफ से सब्सट्रैक्ट करो, एफ एफ F, F. ठीक, F माइनस D कितना बचा, 2, 2, F माइनस D कितना बचा, 3, F माइनस B कितना बचा, 4, 4, F माइनस A कितना बचा, 5, 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 5
A B B D. इस तरह से इसका फाइंड आउट करोगे तो आएगा 354 यस सर यस सर सर आखिरी वाले का 52453 किसका कर रहे हैं यस सर लास्ट वाले का 52453 सर पेपर में से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट निकालो हाँ बेटा डायरेक्ट इस तरह से आता है डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट निकालो यस सर सर कितने नंबर का सर कितने नंबर का मार्क्स होते हैं कितने नंबर का क्वेश्चन होता है सर ये तुम्हें 2 से 5 तक मिल सकते ठीक अच्छा यस सर यस सर ठीक अब कोई भी आरएस कॉम्प्लीमेंट हो अब निकाल लेंगे हम चाहे वो 9s कॉम्प्लीमेंट हो 1s कॉम्प्लीमेंट हो या कोई भी कॉम्प्लीमेंट कोई ऐसा जिसको r माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट में दिक्कत है किसी भी r माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट में चाहे वो 1s हो 9s हो fs हो या 7s हो अब जब अगर हमें आर एस कॉम्प्लीमेंट निकालना जब हमें आर एस कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हम क्या करेंगे स्टेप वन आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फाइन आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट स्टेप टू Add one in R minus 1s complement. जो भी R minus 1s complement आया उसमें one add कर दो ठीक अब 662 in decimal है टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या
क्वेश्चन लिख लो, फाइंड टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिक्स सिक्स टू विथ बेस टेन. थ्री थ्री एट सर. थ्री थ्री सेवन. थ्री थ्री सेवन. थ्री थ्री एट सर. थ्री थ्री सेवन में वन ऐड करना होगा ना सर. थ्री थ्री सेवन आ रहा है. देखते हैं सर, एक माइनस करेंगे ना. सर थ्री थ्री एट. यस सर. थ्री थ्री एट. यस सर. अभी यस सर. जब तुम्हें टेनस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे? माइनस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे. यस सर. और जो आंसर आएगा उस आंसर में प्लस वन कर दो. आरएस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? टेनस कॉम्प्लीमेंट पूछा जा सकता है तुमको, यानी डेसिमल नंबर दिया जाएगा और तुमसे कहा जाएगा टेनस कॉम्प्लीमेंट निकालो. उसके लिए सिंपल क्या करोगे? नाइनस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे पहले, उसके बाद उसमें वन ऐड कर. या हो सकता है तुमसे कहा जाए टू एस कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो मतलब तुम्हें पहले वन एस कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फिर उसमें वन ऐड कर. सर एक क्वेश्चन था सर, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन नहीं आते, मतलब डेसिमल वाले क्वेश्चन? नहीं 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 नहीं, इसमें तुम्हें डेसिमल वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे. डायरेक्ट डिजिट रहेगी नॉर्मल. हाँ, इंटीजर नंबर ही रहेगा. यस सर. ठीक, तो इसका नाइनस कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले. इज इक्वल टू क्या जाएगा? 999 माइनस 6 6 2 is equal to 3 3 7. Then 10s complement निकालने के लिए क्या करें हम? 3 3 7 plus 1 is equal to 3 3 8. एक क्वेश्चन और लिखो. Find 2s complement of following 1 0 1 0 a b 1 1 0 0 1 1 c 1 0 0 1 0 0. इधर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं. पहले क्वेश्चन को देखते हैं. 1 0. हमें क्या करना है? सबसे पहले इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी 1 1 1 1 1 इससे सब्सट्रैक्ट करना है. क्या आएगा? 1 0 0 1 0. ये क्या आया है? 1s कॉम्प्लीमेंट आया. अब इसमें 1 ऐड कर दो. तो 1 plus 1 2 2, मतलब 2 minus 2 0 यहां रखा, एक चली गया. फिर 1 plus 0 1, फिर 0 0.
ये जो आंसर आया क्या है टू एस। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भी कॉम्प्लीमेंट में अभी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत फेस कर रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे, कुछ भी अगर कोई भी डाउट हो तो वो भी। शशांक शुक्ला नंबर 72 शशांक शुक्ला रिशित। यस सर। रिशित कोई डाउट? नो सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है समझ में। इसका 2s कॉम्प्लीमेंट्स क्या आया? 0 1 0 इसका 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 Yes sir. 0 1 1 0 1 1 1 0 1 Yes sir. हाँ सही। जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो सॉरी। कितने लोग ये आंसर्स निकाल पा रहे हैं? सर बस लास्ट वाला बाकी है। अच्छा कितने लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी सेकंड क्वेश्चन तक निकाल लिया? वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, सारे जरूरी नहीं है। सर सारे हो गए। हाँ हाँ ठीक है, जिसके सारे हो गए उसका सेकंड भी हो गया होगा ना, सेकंड तक जिसने निकाल लिया वो हैंड रेज कर। ठीक है। अच्छा कितने लोग हैं जिनको इसमें दिक्कत है अभी, वो अब जरा हैंड रेस करें, बाकी लोग हैंड डाउन कर। जितने लोगों को भी इसको कंप्लीट करने में कॉम्प्लीमेंट में किसी को भी अगर कोई डाउट है तो वो अपना हैंड रेस करें।
स्वप्निल सिंह, ठीक है, बाकी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करके जा सकते हैं, जिनका भी हम नाम ले रहे हैं वो केवल यहाँ रुकेंगे। यस सर। स्वप्निल सिंह, पुनीत, श्रेष्ठ कुमार श्रीवास्तव, शिवम, अमृतराज, ऋषभ, ऋषित, शशांक, वैभव, यशराज, ये लोग यहाँ रुके। कौन श्रेष्ठ श्रीवास्तव? अभी माइक नहीं ऑन करना है, जब हम पूछेंगे जब तब बताना। पुनीत, श्रेष्ठ श्रीवास्तव, स्वप्निल, शिवम, अमृत, ऋषभ, ऋषभ राय 64, ऋषित यादव, शशांक शुक्ला, वैभव मिश्रा, यशराज यादव। पुनीत अपना वीडियो ऑन करो और कॉपी दिखाओ, कहाँ किया क्या किया। तो इसके अभी वाले क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो थर्ड वाले सर किए, सर थर्ड तक कर लिया था सर मैंने। तक कर लिए। यस सर। ठीक है। सर ये थर्ड है, थर्ड वाला थर्ड है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, तुम अपनी अटेंडेंस मार करके क्लास ली बस। शशांक शुक्ला, ऋषभ राय 64, वीडियो ऑन करो सर। वो है हाँ, हेलो, हाँ ऋषभ, तो यस सर। अपनी कॉपी शो करो, कहाँ पे क्या किया, अपनी कॉपी दिखाओ, कहाँ पे क्या किया। स्वप्निल, यस सर, वीडियो ऑन करो, कॉपी दिखाओ। ठीक सर, मैं लीव कर सकता हूँ। श्रेष्ठ श्रीवास्तव, हाँ हाँ तुम लीव कर सकते हो। श्रेष्ठ श्रीवास्तव, वैभव तुम भी लीव कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, पुनीत सॉरी, वैभव नहीं, पुनीत। हाँ 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 तुम लीव कर सकते हो। श्रेष्ठ श्रीवास्तव, अमृतराज, रोल नंबर 99 अमृतराज, यशराज यादव, यस सर। कैमरा कैसे टर्न करते हैं? ये रहा,
ठीक है वैभव। यस सर। कॉपी शो करो सर। ये वाला चैप्टर मैं कर रहा हूँ सर, पुराने वाले चैप्टर कर रहा हूँ मैं। क्यों सर? ये वाला सर वीक है मेरा थोड़ा, मतलब ये वाला अटेम्प्ट नहीं करूंगा मैं न्यूमेरिक पार्ट। तुम ये चैप्टर ही छोड़ के जा रहे हो? यस सर। सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर इंट्रोडक्शन टू आईसी वगैरह बस पढ़ूंगा थोड़ा बहुत। तुम्हें आइडिया है कि डिजिटल से कितना पोर्शन आ जाता है? नहीं सर। तुमने बस यूं ही डिसाइड कर लिया कि तुमको ये चैप्टर छोड़ के जाना है? सर थोड़ा थ्योरी पार्ट अटेम्प्ट करने का सोच रहा था मैं। और इस कन्वर्जन में तुम्हें क्या नहीं समझ में है? सर एक्चुअली मैं सर मैं रिवाइज कर लूंगा तुझे आ जाएगा। तो अभी तक क्यों नहीं किया? सॉरी सर। अब हर केस में सॉरी काम आता नहीं है। यस सर। तुम ठीक स्टूडेंट जितना हो उतने ही ज्यादा लापरवाह भी है चीजों को लेके। लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यस सर। क्योंकि जिस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के चैप्टर को तुम अभी स्किप कर रहे हो वो तुम्हें पूरे 3 सेमेस्टर तक परेशान करेगी। जब अभी नेक्स्ट सेमेस्टर माइक्रो पढ़ोगे तो भी तुम्हें ये नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आनी चाहिए। यस सर। वहां पूरा सब्जेक्ट स्किप करना पड़ेगा अगर अभी डिजिटल छोड़ी। सर मैं इसको फिर कर लूंगा। ठीक है कंप्लीट करो और सैटरडे तक हमको स्टेटस बताओ क्या हाल है। Yes, sir. ठीक है तो बाकी अभी मीटिंग करते हैं।